गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन 10 हाइकिंग ऑन द टुंड्रा। टुंड्रा में जो लंबी यात्रा होती है, पैदल यात्रा, उसको हम हाइकिंग कहते हैं। पुनीत एंड हिज सिस्टर किरण वर हाइकिंग ऑन द टुंड्रा। पुनीत और उसकी बहन किरण जो हैं टुंड्रा में लंबी यात्रा पे निकलते हैं। इट वॉज मार्च एंड स्नो कवर्ड द ग्राउंड। मार्च का महीना था और जो ग्राउंड था बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ था। फॉर द एस्किमो चिल्ड्रन मार्च वॉज स्टिल अ विंटर मंथ। एस्किमोज के बच्चों के लिए मार्च का महीना भी सर्दियों का महीना होता है। आई विश देयर वॉज समथिंग टू सी, सेड पुनीत गुलुमली। पुनीत ने दुखी मन से कहा कि हो सकता है शायद यहाँ हमें कुछ देखने को मिल जाए। सो डू आई, एग्रीड हिज सिस्टर, दिस हाइक इजंट मच फन। उसकी बहन ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि ये जो हाइक है, ये जो यात्रा है, ज़्यादा मज़ेदार नहीं होगी। इन द डिस्टेंस स्मोक वॉज बिलोइंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ देयर विलेज। गाँव की चिमनी से धुआं जो है ऊपर लहरा रहा था। अ ब्रीज वॉज ब्लोइंग एंड द चिल्ड्रन स्नगल डीपर इन टू देयर पार्क्स फॉर एस वार्म्थ। जो ब्रीज थी, हवा थी, वो चल रही थी और बच्चे पार्क में जो थे लेटे हुए थे। फादर सेड देयर आर आर्कटिक फोर्सेस आउट हेयर, मटर्ड पुनीत। अब पुनीत ने फुसफुसा कर कहा कि पापा तो कह रहे थे यहाँ कुछ आर्कटिक फोर्सेस मिलेंगे। आई सी नथिंग ऑफ स्नो डॉग, लेकिन मैंने यहाँ स्नो डॉग जैसा कुछ नहीं देखा। मे बी देयर फर इज सो वाइट दैट इट इज पॉसिबल टू सी देम, सेड किरण। किरण ने कहा कि हो सकता है उनकी फर वाइट कलर की हो, इसीलिए हम उन्हें ना देख पा रहे हैं। द चिल्ड्रन स्क्विंटेड अगेंस्ट द सन। अब बच्चे जो है सूरज की तरफ देखने लगे अधखुली आँख से। फॉर एज फार एज देयर आईज कुड सी देयर वॉज नथिंग बट द ग्लेयर ऑफ द स्नो कवर्ड टुंड्रा। जहाँ तक उनकी दूर तक आँखें जाती थी उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ क्या दिख रहा था, टुंड्रा में बर्फ जो है ढकी हुई है। लेट्स गो बैक, सेड किरण, मे बी वी विल फाइंड समथिंग इंटरेस्ट टू डू एट होम। अब किरण ने कहा कि चलो वापस चलते हैं, हो सकता है घर पर ही कुछ मज़ेदार करने को मिल जाए। द चिल्ड्रन टर्न एंड हेडी टूवर्ड्स अ विलेज। बच्चे मुड़े और गाँव की तरफ चल दिए। अननोन टू देम अ पेयर ऑफ ब्लैक आइज वॉज देयर एवरी मूव। उन्हें पता भी नहीं था लेकिन दो आँखें जो हैं उनके हर हरकत को देख रही थी। द आइज बिलोंग टू एन आर्कटिक फॉक्सेस। जो आँखें थी वो किसकी थी, लोमड़ी की, आर्कटिक फॉक्स की। शी हैड हर्ट हर फुट ऑन द आर्कटिक आइस एंड वॉज लिम्पिंग फॉर द वुंड वॉज पेनफुल। वो उसकी जो पैर था उसमें जख्म था आर्कटिक आइस से, जिसकी वजह से उसके जख्म में दर्द हो रहा था। एज द चिल्ड्रन मेड देयर वे होम द फॉक्स मैनेज टू कीप पेस। जैसे बच्चे घर की तरफ चल रहे थे उस लोमड़ी ने भी थोड़ा सा गैप जो है मेंटेन कर रखा था। शी वॉज स्मॉल एनफ दैट टुंड्रा हमॉक सीड हर। वो इतनी छोटी थी कि वो आराम से टुंड्रा की जो बर्फ़ की लकीरें बन जाती है उसके पीछे छिप सकती थी। देयर वॉज अ पर्पज इन हर विजिट। उसके पीछे कारण था। हर इंजुरी हैड लेफ्ट हर अनेबल टू हंट। अपनी इंजुरी की वजह से वो शिकार नहीं कर पा रही थी। शी कुड नॉट कीप अप विद नानुक द पोलर बियर आइदर। अब वो नानुक पोलर बियर के साथ भी नहीं रह पा रही थी। समटाइम्स नानुक लेफ्ट स्क्रैप्स फ्रॉम हिज ओन हंट्स एंड द फॉक्स एट वेल। कई बार क्या होता है, नानुक जो होता है अपने शिकार का कुछ हिस्सा छोड़ देता था जिसे फॉक्स खा लेती थी। बट नाइट राइट नाउ द बियर्स वर ऑल आउट ऑफ द ओशन आइस एंड द लिटिल वाइट फॉक्स हैड नॉट फॉलन। लेकिन अब जो है बियर्स जो है ओशन आइस की तरफ चले गए थे और जो वाइट फॉक्स थी वो उन्हें का पीछा नहीं कर पाई। शी वॉज वेरी हंग्री। वो बहुत भूखी थी। शी वुड पैरिश इफ शी डिड नॉट ईट इन अ शॉर्ट वाइल। वो मर जाएगी अगर उसे जल्दी ही कुछ खाने को नहीं मिला। देयर वॉज वन इमीडिएट होप फॉर द फॉक्स। लेकिन अब उसकी एक ही आशा थी उस लोमड़ी की। हैड द चिल्ड्रन ब्रॉट समथिंग टू ईट। क्या पता शायद बच्चे अपने साथ कुछ खाने को लेकर आए हों। द फॉक्स हैड बीन नियर ह्यूमन्स बिफोर एंड हैड डाइंड ऑन लेफ्ट ऑफ अस। पहले भी लोमड़ी जो थी ह्यूमन्स के साथ रह चुकी थी और उनका जो बचा हुआ खाना है वो खा लेती थी। शी क्राउस्ड लो एंड फॉलोड विद हाल्टिंग स्टेप्स। वो झुकी और लंगड़ाते हुए धीरे धीरे उनका पीछा करने लगी। फादर आउट ऑन द टुंड्रा वॉज अनदर एनिमल। कुछ ही दूरी पर टुंड्रा में एक और जानवर था। इट वॉज काविक द वॉल्वरिन। वो कौन था, काविक, एक भेड़िया। His fierce dark eyes glittered as he they passed the fox. उसकी आंखों में चमक दौड़ गई जैसे ही उसने लोमड़ी को देखा। He too was hunting, वो भी शिकार करना चाहता था। Lemmings was scarce. There were no rabbit and the sick, the ground squirrel was still underground in his long winter sleep. ना वहाँ कोई rabbit था, ना कोई गिलहरी थी, सब क्या थे, अपने सोने के लिए नीचे underground चले गए थे।
टू काविक द फॉक्स लुक्ड गुड टू ईट, काविक के लिए जो लोमड़ी थी वो खाने के लिए सही थी। ही सो दैट द स्नो डॉग वॉज हर्ट, उसने देखा कि वो जख्मी था। शी वुड बी क्विक एंड ईजी प्रे, वो बहुत आसानी से आराम से उसका शिकार बन सकती थी। पुनीत एंड किरण एम्बल्ड अलोंग, पुनीत और किरण धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दे स्टडीड द फ्रोजन स्नो एंड वंडर वाई इट मेड अ क्रंचिंग साउंड अंडर देयर मक्लूक्स, अब वो ध्यान दे रहे थे कि हमारे जब वो चल रहे थे बर्फ़ पे तो ये आवाज़ कैसी आ रही है उनके जूतों के नीचे से। दे थॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स टू सी ऑन टेलीविज़न, अब वो टेलीविज़न पे आने वाले अच्छे अच्छे प्रोग्रामों के बारे में सोचने लगे। पुनीत रिमेंबर्ड हिज फेवरेट प्रोग्राम वुड बी ऑन दैट इवनिंग, तभी उसको याद आया पुनीत को कि आज शाम को तो उसका फेवरेट प्रोग्राम आने वाला है। द डे वुड नॉट बी इंटायरली रोस्ट, वो दिन आज का उनका खराब हो गया था। द चिल्ड्रन पोस्ट टू रेस्ट, अब बच्चे जो हैं रेस्ट करने के लिए रुके। वेन दे स्टॉप द फॉक्स ऑल्सो स्टॉप्ड, जब वो रुके तो वो लोमड़ी भी रुक गई। द ओनली वन हु डिड नॉट स्टॉप वॉज द वुल्वरीन, जो नहीं रुका वो कौन था, भेड़िया। ही एडवांस्ड क्राफ्टिली हिज माइंड ऑन वन थिंग कैच द फॉक्स कैच हिज डिनर, उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि मैं जल्द से जल्द इस फॉक्स को लोमड़ी को पकड़ लूँ और इसे अपना डिनर बना लूँ। बैली क्लोज टू द ग्राउंड द वुल्वरीन मूव्ड फॉरवर्ड इन हिज ओड हम्पिंग गेट एंड द डिस्टेंस शॉर्टन, अब वो जो है भेड़िया था वो आगे बढ़ा और जो उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। काविक पेड लिटिल अटेंशन टू द चिल्ड्रन, अब काविक ने बच्चों की तरफ देखा। नथिंग फ्राइटेंड काविक, उसने कहा काविक डरने की ज़रूरत नहीं है। दो ही वॉज नोट लार्ज ही वॉज अ माइटी हंटर, वो इतने बड़ी भी नहीं है कि वो आराम से उसके शिकार कर लेगी। द चिल्ड्रन स्टार्टेड होम अगेन गोइंग अ लिटल फास्टर, अब बच्चे जो है वापस अपने घर की तरफ चल दिए और थोड़ा तेज चलने लगे। द सन वॉज लोअरिंग एंड इट वुड बी डार्क सून, अब जो था सूरज ढलने लगा था और अंधेरा होने वाला था। दे डिड नॉट स्पीक एंड द साइलेंस वॉज ग्रेट अराउंड देम, ना ही वो बोल रहे थे और उनके बीच बिल्कुल चुप्पी छाई हुई थी। बट नाइदर पुनीत नोर किरण हर्ड द फॉक्स, लेकिन पुनीत और किरण दोनों को ही उस लोमड़ी के बारे में पता नहीं चला। इन स्पाइट ऑफ हर इंजुरी शी स्टेप्ड अलोंग एज लाइटली एज अ बर्ड, जख्मी होने के बाद भी वो बहुत ही धीरे धीरे उनके साथ चल रही थी पीछे पीछे। सडनली द स्नो डॉग स्टॉप्ड, अचानक जो है स्नो डॉग जो है रुक गई। शी टर्न स्विफ्टली द हेयर ऑन आर बैक रेज जस्ट इन टाइम टू मीट द वॉल्वरिन एंड हैड अ क्लैश, वो मुड़ी और उसके जो पीछे के बाल थे एकदम खड़े हो गए क्योंकि अब सामने कौन था, उसके भेड़िया। देयर फॉलोड अ फायर्स बैटल, अब उनके बीच एक लड़ाई होने वाली थी। द वॉल्विन ग्रिप द फॉक्स बाय द टेल, भेड़िया ने क्या किया, उस लोमड़ी की पूंछ से उसको पकड़ लिया। एट द सेम टाइम द फॉक्स बिट इन टू काविक्स फुट, उसी वक्त लोमड़ी ने भी भेड़िए के पैर पे काट लिया। देन बिगन अ फायर स्ट्रग ऑफ वार एंड एज द एनिमल स्वीट वन फाइटिंग फॉर हिज डिनर एंड अदर फाइटिंग फॉर हर लाइफ, अब उनके बीच जैसे युद्ध छिड़ गया था, एक को अपना खाना डिनर चाहिए था और दूसरे को अपनी जिंदगी। दे ग्रोल डीपली, ऑल एट वंस द टिप ऑफ द फॉक्स टेल केम लूज एंड द वॉल्वरिन फेल बैक, अचानक से जो भेड़िए से उसकी लोमड़ी की पूंछ छूट गई और भेड़िया जो है पीछे जाके गिरा। द फॉक्स कैम्पर्ड ऑफ अ फ्यू यार्ड्स, और जो लोमड़ी थी वो भी फटाफट वो कुछ पीछे भाग गई कुछ कदम। हर टीथ व बियर्ड हर आइज ब्राइट विद हर्ट एंड फियर, उसकी दांत उसकी आंखें जो हैं डर के मारे कांप रहे थे। काविक ग्रिप द पीस ऑफ टेल फॉर्मली इन हिज जोज, अब जब काविक पीछे को गिरा तो उसके जबड़े में जो था फॉक्स की जो लोमड़ी की पूंछ का कुछ हिस्सा उसके जबड़े में फंस गया था। नथिंग इन द वर्ल्ड कुड हैव प्राइड इट लूज, कुछ भी ऐसा दुनिया में नहीं है जिसे बचाना जा सके। ही स्टडी द फॉक्स फॉर सेवरल सेकेंड्स देन टर्न अवे, उसने कुछ पल उसको समझने की कोशिश की और मुड़ गया। द स्नो डॉग वॉज नॉट ईजी प्रेफ आफ्टर ऑल, कि लोमड़ी को शिकार बनाना एक आसान बात नहीं होती है। इट इज़ पॉसिबल ही कुड हैव बीटन द फॉक्स बट काविक्स पो थ्रॉट वेयर द फॉक्स टीथ हैड डग इन द वॉल्वरिन वांटेड नो मोर ऑफ सच ट्रीटमेंट, ये पॉसिबल नहीं था, मतलब कि उसको वो पकड़ सकता था लेकिन वो जिससे उसको काटा था लोमड़ी ने भेड़िए को उसके उसके जख्मी होने के बाद वॉल्वरिन अब और कुछ नहीं चाहता था। ही ग्रेव अ लास्ट बोल देन हम्प्ड ऑफ अक्रॉस द टुंड्रा होल्डिंग द बिट ऑफ अ वाइट हेयर एंड द स्केनेटेड माउथ, अब वो पीछे की तरफ भाग गया क्योंकि उसके जो मुँह में था सिर्फ उसके पूंछ का कुछ टुकड़ा उसके मुँह में रह गया था। द फॉक्स स्टूड लाइक अ स्टैच्यू आइज ऑन एन एनिमी, अब जो लोमड़ी थी वो एक स्टैच्यू बनी खड़ी थी और उसकी आंखों में उसका दुश्मन था। वेन शी फेल्ट सेफ शी ले डाउन टू लिक हर वुंड, जब उसने देखा कि वह वो सुरक्षित है वो नीचे बैठी और अपने जख्म को चाटने लगी। हर करेज हैड सेव्ड हर लाइफ बट शी वॉज स्टिल हंगरी एंड स्टारवेशन वॉज स्टिल वेटिंग,
उसकी हिम्मत ने उसको बचा लिया था, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा भूखी थी। शी वुड रेस्ट अ वाइल देन गो इनटू द विलेज। कुछ देर उसने रेस्ट किया और फिर वो गांव में चली गई। हर नोज टोल्ड हर फूड स्क्रैप्स वर अवेलेबल। उसकी नाक उसकी बता रही थी कि यहाँ पे कुछ खाने को मिल जाएगा। शी वुड हैव टू बी केयरफुल बिकॉज द विलेज डॉग्स वर ट्रबलसम बट शी हैड टू ट्राई। वो बहुत ध्यानपूर्वक वहाँ गई क्योंकि वो जानती थी कि गाँव के कुत्ते उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। इट वॉज अ लास्ट चांस फॉर सर्वाइवल। ये उसकी जीने के लिए आखिरी चांस था। पुनीत एंड किरण रीच देयर फार्म हाउस। पुनीत और किरण अपने घर पहुँच गए। इनसाइड देयर फादर श्यामलाल वॉज कार्विंग वॉलरस आवेरी इन टू अ स्मॉल सील। जो फादर थे वो अपना काम कर रहे थे, जो दांत होते हैं बड़े बड़े उनसे कुछ बना रहे थे। What did you see on the tundra today? He asked. उन्होंने पूछा कि आज तुमने टुंड्रा में क्या देखा। Nothing, father replied. Puneet wearily. We did not see a thing. अब पुनीत ने कहा कि कुछ भी नहीं देखा हमने। Sometimes, added his sister, the tundra can be very boring. Nothing ever happens. अब उसकी सिस्टर ने भी कहा कि कई बार टुंड्रा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है और वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। But Shyamlal wise in the ways of the Arctic smile and said, On the tundra, it is what you don't see that is the most exciting. अब श्यामलाल ने हंसते हुए कहा कि टुंड्रा में कुछ ना देखना भी एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है। पुनीत स्क्रैचेस हेड पजल्ड। अब पुनीत जो है अपना सिर खुजाने लगा। देयर वर टाइम्स ही थॉट व्हेन हिज फादर स्पोक इन राइडर्स। अब वो सोचने लगा कई बार तो उसके पापा जो हैं पहेलियों में बात करते हैं। थैंक यू।